इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा डेली राजस्थान करंट अफेयर में। आज की करंट अफेयर 2 अगस्त की करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले कल के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, जो कि लास्ट में आपसे पूछा गया था उसका राइट आंसर क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक बार कल की करंट अफेयर का फास्ट रिविजन करेंगे और उसके बाद आज की राजस्थान करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। डेली आपको मॉर्निंग में 11 बजे आपको इसी तरह करंट अफेयर देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कल के क्वेश्चन की, जो आपसे पूछा गया था लास्ट में। क्वेश्चन था कि राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र किस नगर निगम द्वारा जारी किया गया। आपके पास ऑप्शन है नगर निगम कोटा, जोधपुर नगर निगम उत्तर, जोधपुर नगर निगम दक्षिण, या नगर निगम ग्रेटर जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य का पहला ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा जारी किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करता हूँ कल का करंट अफेयर का एक बार रिविजन वन लाइनर के रूप में, फिर आज ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो कल के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कितने जिलों में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के 4 जिलों में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के किस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सलेंस अवार्ड मिला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के एप्लीकेशन प्रसव वॉच को राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सलेंस अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गठित राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड में कुल कितने सदस्य होंगे। तो हाल ही में गठित राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड में कुल 5 सदस्य होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है। तो राजस्थान के कोटा जिले में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन हेतु देवस्थान विभाग ने किसके साथ MOU साइन किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत पशुपतिनाथ मंदिर दर्शन हेतु देवस्थान विभाग ने IRCTC के साथ MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत सरकार की ओर से 3 दिवसीय उज्ज्वल राजस्थान 2023 प्रदर्शनी का आयोजन उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अटल भूजल योजना से किसानों को जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। तो अटल भूजल योजना से किसानों को जल संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से 75% का अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो देश की पहली जल निकाय गणना में राजस्थान का देश में 18वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। अब बात करता हूँ आज की करंट अफेयर 2 अगस्त की राजस्थान करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हाल ही में शहीद उगम सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था। आपके पास ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में शहीद उगम सिंह मेमोरियल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन बाड़मेर में किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किन जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। आपके पास ऑप्शन है धौलपुर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर, ए और बी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के 4 जिलों में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। वो 4 जिले हैं धौलपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। ऑप्शन में आपके धौलपुर और गंगानगर था, इसलिए ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा 2 और जिले थे, सिरोही और चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने कौन सा पदक जीता है। गोल्ड, रजत, कांस्य, ए और बी दोनों।
तो राजस्थान स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल में दीपेंद्र सिंह शेखावत ने गोल्ड और रजत दोनों पदक जीते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है 12, 28, 33, 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के 28 जिलों में विवेकानंद यूथ हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस समाज के लिए राज्य स्थापित्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा? कुमावत, नायक, जाट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में कुमावत समाज के लिए राज्य स्थापित्य कला बोर्ड का गठन किया जाएगा। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह राजस्थान करंट अफेयर ऑब्जेक्टिव डेली 11 बजे मॉर्निंग में इस चैनल पर देखने को मिलेगी। पिंगली वेंकैया राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन जयंती कब मनाई जाती है? यानी कि राष्ट्रीय ध्वज पर जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने की थी, इनकी जयंती कब मनाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त, 30 जुलाई। तो पिंगली वेंकैया की जो जयंती है वो आपके 2 अगस्त को मनाई जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को कब से लॉन्च किया जा रहा है? यानी कि जो स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं राजस्थान में, उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना। तो इस योजना के तहत फ़ोन कब से वितरित किए जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है 10 अगस्त 2023, 7 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को 10 अगस्त 2023 से लॉन्च किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। इसमें स्मार्टफोन खरीदने के लिए जो राज्य सरकार द्वारा पैसे दिए जा रहे हैं वो है 6800 रुपये, जिसमें 6125 मोबाइल के हैं और 675 सिम और डाटा के लिए। अगर किसी को इससे महंगा फ़ोन ख़रीदना है तो इसके अलावा जो चार्ज लगेगा वो उस व्यक्ति को खुद को देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटरी क्लब किस सेंट्रल सरकारी स्कूलों की बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण करेगा? जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, सीकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रोटरी क्लब है वो हनुमानगढ़ सेंट्रल सरकारी स्कूल की बालिकाओं को सैनिटरी पैड वितरण करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल हिंडोन रेलवे सहित कितने अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा? 15, 28, 33, 18। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल हिंडोन रेलवे सहित टोटल 15 अमृत भारत रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका जो शुभारंभ किया जाएगा वो आपके 6 अगस्त 2023 को किया जाएगा सभी रेलवे स्टेशनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के किस जिले का सफ़ेद संगमरमर मार्बल का उपयोग किया जाएगा? नागौर, जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अयोध्या के राम मंदिर में राजस्थान के नागौर जिले के मकराना के सफ़ेद संगमरमर मार्बल का उपयोग किया जाएगा। नागौर जिले में कहाँ पर? मकराना के संगमरमर मार्बल का उपयोग किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब बात करता हूँ आज की क्वेश्चन की, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है? आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर। राइट आंसर नीचे कमेंट बॉक्स बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। डेली राजस्थान करंट अफेयर आपको 11 बजे मॉर्निंग में देखने को मिलेगी इसी चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अन्य अपडेट होगी आपको वहीं देखने को मिलेगी।